So, hello and welcome back to my YouTube channel, myself Arnav. और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या तुम्हें 2024 में ऑनलाइन बीसीए करनी चाहिए या नहीं। पहले तो देखते हैं ऑनलाइन बीसीए का ट्रेंड कब से स्टार्ट हुआ। जब से कोरोना वायरस आया है तब से काफी सारी कंपनियों ने समझ लिया कि जो बच्चा है वो इतना ट्रैवल नहीं करना चाहता, डेली कॉलेज नहीं जाना चाहता, उसको घर बैठे बैठे भी एजुकेशन की अहमियत समझ आ चुकी है और वो घर बैठे बैठे भी एजुकेशन कर सकता है। ये उन्हें कोरोना के काल में पता चल गया। सारे जो तुम्हारे जीएमसी देश में जीते और जो कोई और भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट थे वो सब ऑनलाइन आ गए, सेम विद द कॉलेजेस। ऐसा कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है सच LPU, चंडीगढ़, बेनेट और भी जो सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वो तुम्हें ऑनलाइन बीसीए के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें फायदा क्या है? पहली बात तो यूनिवर्सिटी का ये फायदा है कि इसमें वो कितने भी बच्चे एनरोल कर सकती है, बट डेफिनेटली पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमाउंट ही बच्चे वो एनरोल करेगी फॉर नॉट मेकिंग सो मच न्यूजेंस, क्योंकि इतने सारे बच्चे हो गए तो फिर इतनी सारी चीजें ढंग से नहीं हो पाएगी। बट हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट ये होता है कि इतने अरेंजमेंट्स वगैरह नहीं करने पड़ते जितने ऑफलाइन मोड के करने पड़ते। बट इसमें हमारा क्या फायदा? इसमें हमारा भी यही फायदा है कि हमें भी इतनी फीस नहीं देनी पड़ती। अगर मैं थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करूँ सच एस LPU मैंने अच्छी यूनिवर्सिटीज लेगा कि BCMS को काफी एक अच्छा यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो ये कम से कम 1.5-2 लाख रुपए लेती थी अपनी ऑफलाइन फीस के लिए। इससे कम उसकी ऑफलाइन फीस होती नहीं थी, वो भी काफी कम अमाउंट में तुम्हारी ऑनलाइन बीसीए करा पा रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है बच्चे के लिए। और अगर तुम एक ऐसे बच्चे जो अपनी चीजें खुद कर सकते हो, अगर तुम्हें अंदर पैशन है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें ऑनलाइन बीसीए करनी चाहिए। उससे क्या होता है, तुम्हारा काफी टाइम बचता है, प्लस प्लेसमेंट में इतना अंतर देखने को नहीं मिला। डेफिनेटली ऑफलाइन बीसीए का एक एज रहता है, बट ऑनलाइन बीसीए को भी इतना मतलब बेकार नहीं गया। अगर मैं थोड़ा स्टैट्स बताऊं तो जो बाहर की कंपनी है, जो सारी टॉप MNCs है बाहर की, वो इतना अंतर नहीं करती वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट जो कंपनियां इंडिया की है उसमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है। सच एस तुम्हारी एसेंचर हो गई, जो तुम्हारी छोटे मोटे स्टार्टअप्स है और जो तुम्हारी TCS वगैरह सारी जो इंडियन कंपनी है, यहाँ पे ऑनलाइन बीसीए को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये एक गलत पॉइंट है यहाँ पे, बट डेफिनेटली आगे जाके थोड़ा सही होगा। बट अगर तुम सोच रहे हो कि प्लेसमेंट में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये नहीं है। प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलता है। दूसरी चीज जिसमें तुम्हें इफेक्ट देखने को मिलता है वो है तुम्हारी सोशल लाइफ। बिल्कुल भी तुम बाहर निकलना बंद हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जाओगे। आधे से ज्यादा बच्चे जो आजकल कॉलेज जा रहे हैं वो घर से बाहर सिर्फ इसलिए निकलते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज जाना होता है और वहां से वापसी आना होता है। बीच में जो भी टाइम वगैरह होता है उसमें काफी चीजें हो जाती है। बट अब पॉइंट ये, अगर तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाना होगा तो आधे टाइम तुम अपने घर पे ही रहोगे, तुम्हारी सोशल लाइफ काफी खराब हो जाएगी। अब शॉर्ट टर्म में इसमें इतना अंतर नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में जब तुम जाओगे तब तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा कि आप एक अच्छा खासा कौन हो सकता है तुम्हारी ऑनलाइन बीसीए का। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम्हें अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करनी है तो फिर गो फॉर एन ऑफलाइन बीसीए। बट इतने सारे कॉलेजेस ऑनलाइन बीसीए के लिए और इतनी सारी मगजमारी की, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है? अगर तुम्हें ऑनलाइन बीसीए करनी है डेफिनेटली तभी तो तुम जाकर कॉलेज विद्या में देख सकते हो, उनका AI फीचर्स भी है, उसमें तुम कोर्स वगैरह डालो अपना और तुम्हें सारे अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। प्लस अगर तुम इसमें कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें सही लगती है अपने लिए, तो उसमें तुम डायरेक्ट उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते हो, वो भी तुम्हें कॉलेज विद्या लोग प्रोवाइड कर देंगे और इसलिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अदर देन दिस, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी प्लेसमेंट सपोर्ट कौन कराएगा, तो ये तुम्हें एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक पूरा एक सपोर्ट भी देंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और लास्ट में तुम्हें ये भी देखने को मिलता है कि अगर तुम अपनी फीस भरनी है तो तुम इसमें EMI के थ्रू भी भर सकते हो इन कॉलेज विद्या। जैसे सारे कॉलेजेस एक साल में इकट्ठे पैसे लेते हैं, उसको तुम EMI बेसिस पे काट के भी आगे अपनी फीस प्रोसीड कर सकते हो। तो ये काफी प्लस पॉइंट है, तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ कॉलेज विद्या तुम्हें करियर बूस्टर प्रोग्राम्स और काफी सारे प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है जो 7000 के, बट ये तुम्हें एकदम फ्री में मिल जाएगा अगर तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके थ्रू किसी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। और इसके साथ साथ तुम्हें कॉलेज विद्या कम्युनिटी यानी कि CV कम्युनिटी में पार्ट होने का मौका मिलेगा, जिससे तुम्हारे नेटवर्किंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ तुम्हें CV सब्सिडी देखने को मिलती है जो अप टू 10,000 तक तुम्हें देखने को मिलेगी अगर तुम इनके थ्रू किसी भी एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे, क्या तुम्हें एक ऑनलाइन कोर्स परस्यू करना चाहिए, वेदर इट इज MBA और वेदर इट इज BCA। तो अगर कोई MBA वाला बंदा देख रहा है तो आई वुड से अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली आपको एक कोर्स परस्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि MBA में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और जो कई डिग्रीज होती है जिनमें ऑनलाइन मेंशन होता है, कई डिग्री ऐसी है जहां ऑनलाइन मेंशन नहीं होगा और वो पर्टिकुलर तुम्हारे जैसे वर्किंग लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, तो एक काफी एक अच्छा एज मिलेगा तुम्हें इंडस्ट्री में। बट अगर मैं बात करूं BCA की, तो BCA में भी तुम्हें अगर थोड़ा क्लोज बताऊं तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी, तुम अपने हिसाब से लेक्चर दे सकते हो, अपने सेल्फ स्टडी का तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, ट्रैवलिंग का टाइम है वो तुम्हारा काफी ज्यादा बचेगा, ठीक है। बट जो ऑनलाइन पेपर है ना वो तुम्हें ढंग से ही देने पड़ेंगे, कहीं तुम सोचो चीटिंग करके हो जाएंगे तो वो नहीं होगा, बट हाँ काफी ज्यादा आराम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन, ठीक है। अब
दूसरा पॉइंट ये आता है ऑनलाइन बीसीए के अंदर करिकुलम भी काफी अच्छा है, जो एकदम लेटेस्ट करिकुलम है वो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, वेदर इट इज पाइथन लैंग्वेज, तुम्हें पाइथन लैंग्वेज ही पढ़ाई जा रही है, बल्कि हमें तो सी लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, मैं ऐसे बीटेक स्टूडेंट बता रहा हूँ, हमें सी लैंग्वेज पढ़ाई गई थी इन फर्स्ट ईयर, तुम्हें पाइथन पढ़ाई जा रही है, वो काफी अच्छी चीज है। और अगर मैं बात करूँ प्रोज ऑफ ऑफलाइन बीसीए, तो ऑफलाइन बीसीए में तुम्हें सोशलाइजिंग देखने को मिलेगी अपने दोस्तों वगैरह के साथ, और अगर तुम्हें थोड़ा गाइडेड पाथ भी मिलेगा, आई वुड से अगर तुम ऑफलाइन बीसीए करते हो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन बीसीए। अगर तुम एक ऐसे बच्चे जिसे थोड़ी कम चीजें आती है, देन तुम अपने पे डिसाइड करके बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, ये तुम कैसे पता कर सकते हो, जो लोग ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करो, उनसे तुम पूछो कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो बेटर रहा है क्या ऑफलाइन बीसीए करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, और जो ऑफलाइन बीसीए कर रहे हैं उनका थोड़ा पूछने की कोशिश करो कि कैसा रहा है। वैसे ऑफलाइन बीसीए का तो तुम्हें ज्यादा मिल ही जाएगा, मेन ऑनलाइन बीसीए का है, अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं थोड़ा बहुत लिंक्डइन वाले लोगों से भी पूछ के तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम्हें ऑनलाइन बीसीए करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। सर यही था आज की वीडियो में जिसमें मैंने डिस्कस करा है कि क्या ऑनलाइन बीसीए का फ्यूचर है आगे इंडिया के अंदर। तो यार अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।